किसानों के जीवन में केसर की महक लाने की उम्मीदों के साथ आयोजित इस गरिमामय सभागृह में उपस्थित यूनियन टेरिटरी केंद्र प्रशासित राज्य जम्मू काश्मीर के ऑनरेबल एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी, सिक्किम सरकार के माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, वाइस चांसलर सिक्किम यूनिवर्सिटी श्री अविनाश खरे जी, यूटी जेएनके के मुख्य सचिव डॉक्टर एके मेहता जी, फाइनेंशियल कमिश्नर ईसीए श्री अतल डुलू जी और हमारे स्टेट से आए हुए सभी प्रिंसिपल डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री चौधरी इकबाल जी जो हम लोग सब जानते हैं उनको, उनकी टीम को, और एमडी एसपीएमसी सैफ सुल्तान जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विभाग के सभी अधिकारीगण, ऑफिशियल्स फ्रॉम जेएनके एचओडीज, सिक्किम बागवानी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर हमारी सदन तामांग जी, डायरेक्टर एमके सुब्बा जी, पीएल बसनेत जी, बीएल दाहाल जी, सिक्किम विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, प्रोफेसर शांति स्वरूप शर्मा, प्रोफेसर लक्ष्मण शर्मा, प्रोफेसर नीलाद्री बाग और सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, हम ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हैं। केसर की धरती काश्मीर ने आज सिक्किम बागवानी विभाग और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किए। ये सिक्किम के लिए गौरव की बात है। हमारे सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामंग जी की ओर से कश्मीर सरकार को तहदिल से शुक्रगुजार करता हूं। इसी के साथ हमारी राज्यपाल महोदय, उनकी सबसे बड़ी इंटरेस्ट ये केसर खेती में सिक्किम में कृषक को फायदा पहुंचाने के लिए उनके अपने गांव को गोद लेना, गांव गांव में जाकर कृषक के साथ बातचीत करना, ये हमारे स्टेट के गौरव की बात है। इस समझौते से सिक्किम के किसानों में एक नई उम्मीद की आवाज की चुकी है। उनके घरों में केसर खिलेगा और जीवन की बगिया भी जरूर महकेगी। हम विश्वस्त है, जिस तरह पायलट प्रोजेक्ट में भी कश्मीर को सहयोग प्राप्त हुई है, उसे सिक्किम हमेशा याद रखेगी। सिक्किम सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, बागवानी विभाग प्रयास, सिक्किम विश्वविद्यालय की गहरी अनुसंधान को मुकाम तक पहुंचाने में हमारी कोई भाग्य विधाता बन सकता है तो वह आपकी जन्नत, आपकी कश्मीर है। इसी के साथ मैं सिक्किम सरकार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस तामंग जी, हमारी गवर्नर साहब जो अभी यहाँ आप लोग के बीच एक इस उम्र में, इस एज में भी एक सिक्किम के कृषक के पक्ष में वकालत करने के लिए हमारे सिक्किम से जम्मू काश्मीर आना, ये बहुत बड़ा चीज है, हम इसको मान्यता रखते हैं। हमारी मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ आने वाले थे और उनका बहुत अर्जेंट काम होने के कारण वो नहीं आ पाया और हम लोग को, हमको भेजा है हमारे गवर्नर साहब के साथ। हम आज इस ऑफिस में आकर केसर खेती के बारे में हम लोग ने जो भी अभी तक पता लगाया है, आगे जाकर हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी किसान, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच किसान का उन्नत उपजनी आयात दोगुना होनी चाहिए, ये हमारी सरकार सिक्किम और हमारी गवर्नर सिक्किम हम लोग कोशिश कर रहे। तो अभी यहाँ आकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ केसर के विषय में, और सारे पशुपालन में हो, हॉर्टिकल्चर के मैटर में हो, एग्रीकल्चर में हो, हमारी सरकार सिक्किम में एक ऐतिहासिक घोषणा करते आगे जा रहे। जैसे मैं एक दो चीज यहाँ बताऊं कि हम 13th आइटम में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में सिक्किम इंसेंटिव देते, जैसे बड़ी इलायची में 100 रुपीज, अदरक में 20 रुपया, और ये हल्दी में 20 रुपया, जो भी दाल हो उसमें 20 रुपीज, और बंद गोभी में 5 रुपया, 7 रुपया, ऐसा करके 13 आइटम में हम लोग इंसेंटिव देती है। उसके बाद दूध हमारी सिलगुड़ी से ऊपर आते थे, पहले जब हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री महोदय ने, गवर्नर साहब ने जो कोशिश की और सरकार ने पर लीटर 8 रुपीज इंसेंटिव दिया 1 लीटर में, तो 25,000 लीटर पर डे से बढ़कर अभी 70,000 लीटर पर डे
और हम लोग सिक्किम से गुवाहाटी तक हमारा दूध अभी पहुंचाने लगे। ये परिवर्तन है एक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में जो सरकार सिक्किम में है और हमारी मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय एक किसान जैसे होकर गांव गांव में जाकर सारे गांव को गोद लेना एवं खेती के बारे में उत्साह करना मुख्यमंत्री जी भी सब किसान को आगे बढ़ाने के लिए सारे योजना नए नए योजनाएं बनाकर अभी हमारे किसान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो सही है, सारा चीज है तो खाने के लिए कुछ चीज नहीं है तो देश में क्या होगा। खाने का चीज तो फार्मर ही तैयार करेगा और गांव वालों को तैयार करना है। इसीलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी जो स्लोगन है सिक्किम सरकार हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय हम सब मिलकर अभी कश्मीर तक पहुंचाने के लिए भी अब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इकबाल साहब वहां जाकर उनका टीम यहां का फार्मर्स गवर्नर राजभवन में जाकर मीटिंग करना कि गांव में जाकर केसर तो एक नया चीज हम लोग तो एक बोतल में दिखते थे ऐसा अब दिखने के लिए शो केस के लिए हम रखते थे कोई के खाने के लिए चलाते थे अभी हम लोग खेती करने जा रहे। इसीलिए मैं हमारी सरकार की तरफ से और कश्मीर के इकबाल साहब और आपका टीम और हमारा विश्वविद्यालय सिक्किम और यहाँ के एलजी साहब हमारी राज्यपाल हम सब लोग आप लोग को बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि सिक्किम के किसानों के हित में दो पैसा कमाने के लिए जो आइडिया दिया और वहां का क्लाइमेट सूट कर लिया है अभी ये रिसर्च सक्सेस हुआ है तो इसी के साथ आगे भी हम लोग यहां से जो भी हेल्प चाहिए हम इसका अपेक्षा रखते हैं। आप एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब भी है तो मिल करके हम कश्मीर से कन्याकुमारी और सिक्किम से दिल्ली तक हम लोग एक बनाकर हमारे फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य हम करेंगे। तो आज का ये ऐतिहासिक क्षण दिखने में छोटा है लेकिन केसर के विषय में समझौता हुआ और आप लोग के साथ आने का मौका मिला केसर के द्वारा। तो इसी के साथ मैं हमारी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पीएस तामंग जी की तरफ से और हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय और आप यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी के आपका ये न्योता आपका ये जो हम लोग को स्वागत करते हुए इस ऐतिहासिक कारण के बाद अवश्य हमारे सिक्किम के फार्मर्स आमदामी में हो केसर खेती में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मेरे दो शब्द यहीं रखूंगा। धन्यवाद।